नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जैक की 10वीं 12वीं के रिजल्ट का इंतजार हुआ खत्म, जानिए किस दिन आएगा परिणाम। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए झारखंड के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। झारखंड जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परिणाम इसी माह के अंत तक आ जाएगा। जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक परीक्षा परिणाम घोषित हो सकता है। उन्होंने कहा कि आंतरिक विश्लेषण के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार हुआ है। इसके साथ ही परिणाम से किसी को असंतुष्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल राइट टू वोटर का दिया हवाला। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने के लिए विधायकों के खरीद परोक्त मामले की सीबीआई जांच को लेकर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पंकज कुमार यादव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की है। झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका में पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय एवं आयकर विभाग से भी कराने का आग्रह किया है। प्रार्थी ने सीबीआई, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, बेरमो से कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह, एसएसपी रांची आदि को प्रतिवादी बनाया है। दीदियों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएं सखियां। जेएसएलपीएस कार्यालय नारायणपुर में मंगलवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर नन युक्त सखी को प्रशिक्षित किया गया। उन्हें कर्तव्य का बोध कराया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर मृधा ने सखी को कार्य के लिए मशीन उपलब्ध कराई, कहा कि बेहतर ढंग से काम कर अच्छा परिणाम दे। नारायणपुर प्रखंड की कुल 25 पंचायतों में 25 सखी की नियुक्ति हुई है। ये सखी अब नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में संचालित सखी मंडल की दीदियों को गांव घर में ही बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसे राशि निकासी जमा करने आदि के कार्य होंगे। निजी विद्यालयों को खोलने की मिले अनुमति। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को विधायक अनंत ओझा से मिला तथा निजी विद्यालयों को खोलने की अनुमति देने के लिए सरकार से वार्ता करने की मांग की है। विधायक ने उनकी मांगों पर सहमति जताते हुए इस दिशा में आवश्यक पहल करने की बात कही। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि जिले के सभी निजी विद्यालय 22 मार्च 2020 से बंद है। इसमें कार्यरत 25,000 शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों के सामने भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना का केस न के बराबर है। इसके साथ ही उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश व अन्य राज्यों में विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं। झारखंड के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड के कर्मियों का डीए 11% बढ़ा दिया गया है। इस बाबल कल मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। 5 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना, सिर्फ 31,345 ने किया आवेदन। कोरोना काल में बेरोजगार हुए झारखंड के 5 लाख शहरी गरीबों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें सिर्फ 16,027 शहरी बेरोजगारी ने सरकार से काम मांगा। इस योजना के लाभ देने के लिए 31,345 युवक युवतियों ने आवेदन किया था। इस योजना के तहत काम पाने के लिए 24,289 लोगों ने जॉब कार्ड भी बनवाया, लेकिन 16,027 लोगों ने ही वर्क डिमांड किया। कोचिंग हब के रूप में विकसित होगा झारखंड, इन शहरों में बढ़ावा देगी सरकार। हेमंत सरकार झारखंड को कोचिंग हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके तहत रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर जैसे राज्य के बड़े शहरों में मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। झारखंड को कोचिंग हब बनाने की संभावना पर चर्चा करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने 30 जुलाई को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बैठक बुलाई है।
इथेनॉल उद्योग को 25% सब्सिडी देगी हेमंत सरकार। झारखंड सरकार इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए निवेशकों को 25% तक कैपिटल सब्सिडी देगी। लघु उद्योग के लिए यह राशि अधिकतम 10 करोड़ और बड़े उद्योग के लिए 50 करोड़ रुपए होगी। मंगलवार को स्टेक होल्डर के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रस्तावित नीति के अनुसार छोटे उद्योगों को 5 वर्षों तक 100% SGST की छूट दी जाएगी। पशुपालन विभाग 15 अगस्त से राज्य के सभी पंचायतों में लगाएगा शिविर। पशुओं की देखभाल और बीमारी से बचाने के लिए झारखंड पशुपालन विभाग की ओर से शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 15 अगस्त से राज्य के सभी पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। यहां पशुओं की टैंकिंग की जाएगी और उनकी बीमारियों का इलाज भी किया जाएगा। इसके तहत धनबाद के 252 पंचायतों में 2 दिवसीय शिविर लगाया जाएगा। मवेशियों के लिए बारिश का मौसम सबसे खतरनाक होता है। भारी गड़बड़ जाला, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं पूर्व विधायक। केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ संवैधानिक पदों पर बैठे या पूर्व में रहे लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन पूर्व विधायक, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी भी इसका लाभ ले रहे हैं। इस सूची में बीजेपी के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी भी शामिल है। उनके खाते में अब तक 6 किस्त के 12,000 रुपये भी आ चुके हैं। झारखंड मंत्रालय में हाजिरी लगाकर सत्ताधारी विधायकों ने दिए खास संदेश। झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर राजनीतिक तेज होने के बाद सचिवालय का नजारा बदला सा नजर आया। झारखंड मंत्रालय में सत्ताधारी दल के विधायक अपनी हाजिरी लगाते हुए दिखे। इसमें कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम के भी विधायक शामिल हैं। झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला गर्म है। राजनीतिक गलियारों में इस खरीद बिक्री को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच झारखंड मंत्रालय में सत्ताधारी दल के विधायकों की हाजिरी कुछ और बयां कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सत्ताधारी दल के विधायक सरकार के साथ होने का संदेश दे रहे हैं। बात चाहे कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह, रामचंद्र सिंह की करें या जेएमएम विधायक मंगल कालिंदे, जिग्गा सोसरन होरो, सविता महतो, मथुरा महतो की, ये तमाम विधायक झारखंड मंत्रालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आए। देवघर एम्स के ओपीडी नहीं खुलने पर केंद्र और एम्स को हाई कोर्ट से नोटिस, 26 को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में देवघर स्थित एम्स में ओपीडी खोलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार और एम्स दिल्ली को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब ओपीडी बनकर तैयार है तो केवल उसके उद्घाटन के लिए रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से अदालत में याचिका दाखिल की गई है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। कोरोना से जान गंवाने वाले रेल कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर जल्द मिलेगी नौकरी। कोरोना वायरस की वजह से होने वाली COVID-19 बीमारी की पहली और दूसरी लहर में जान गंवाने वाले रेल कर्मियों के विधवाओं, बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की दिशा में भारतीय रेल तेजी से काम कर रहा है। साथ ही ऐसे मृतक कर्मियों के निपटान, बकाए, फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी आदि के भुगतान को भी भारतीय रेलवे द्वारा जल्दी पूरा कराने की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड कांग्रेस के संगठन में हो सकता है बड़ा फेरबदल। विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर झारखंड में गर्माई राजनीति के बीच प्रदेश कांग्रेस में बड़े फेरबदल की सुगबहार शुरू हो गई है। खबर है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व संगठन में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। पंजाब और राजस्थान के बाद झारखंड में भी संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल जल्दी हो सकता है। झारखंड में सत्ता पलट की साजिश के जिसे मामले का खुलासा हुआ है, उसका असर पार्टी के छवि पर पड़ रहा है। खबरें आलाकमान तक पहुंची है। मामले में सच क्या है, झूठ क्या है, इस पर पार्टी के भीतर विचार चल रहा है। हाल ही के दिनों में कई विधायकों ने किस्तों में दिल्ली जाकर बड़े नेताओं के सामने गीले शिकवे बयां किए हैं। केंद्र नेतृत्व के नोटिस में यह भी बातें आई हैं। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पहचान में और विलंब बर्दाश्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि COVID-19 के चलते अपने माता पिता को गंवा चुके बच्चों की पहचान में अब और विलंब बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों की संख्या का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एन नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने जिलाधिकारियों को अनाथों की पहचान के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारियों को पुलिस, नागरिक समाज, ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी एवं आशा कर्मियों की मदद लेने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। ममता ने पीएम से फिर की पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग।
पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह सौजन्य भेंट थी, हमारे राज्य को आबादी के हिसाब से पूरे राज्यों से बहुत कम वैक्सीन मिली है, हमने और वैक्सीन देने की मांग की है। प्रधानमंत्री से पश्चिम बंगाल का राज्य का नाम बदलने को लेकर भी चर्चा की। 2019 में भी ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम बंगला करने की मांग की थी। असम मिजोरम सीमा पर तैनात किए जाएंगे 4000 कमांडो, सीएम हेमंत शर्मा ने कहा। असम और मिजोरम के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने असम मिजोरम बॉर्डर पर 4000 कमांडो तैनात करने की बात कही है। सोमवार को इसी समस्या के चलते हिंसा भी हुई थी, जिसमें असम के 5 पुलिसकर्मी और एक नागरिक की जान गई है। तनाव इतना बढ़ गया था कि सीमा पर सीआरपीएफ की तैनाती करनी पड़ी थी। पासपोर्ट के लिए आप डाकघरों में भी कर सकते हैं आवेदन। देश में भारतीय डाक की ओर से विभिन्न डाकघरों में पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन और आवेदन की सुविधा शुरू की गई है। इससे आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा। आवेदक नजदीकी डाकघर के सीएससी काउंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ने ट्वीट के जरिए नई सुविधा के बारे में बताया है। असम पुलिस के 200 जवान जबरन बॉर्डर पार कर राज्य में आए थे मिजोरम के गृह मंत्री। मिजोरम के गृह मंत्री लालच चमलियाना ने सोमवार को कहा कि असम पुलिस के आईजी के नेतृत्व के करीब 200 जवान जबरन बॉर्डर पार राज्य के बेरिंगटे ऑटो रिक्शा स्टैंड तक आ गए थे। उन्होंने आगे बताया कि असम पुलिस ने मौके पर पूछताछ के लिए पहुंचे स्थानीय लोगों का लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आईएमडी ने उत्तर और पूर्वी भारत में अगले 4 दिनों में भारी बारिश होने का जताया अनुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को उत्तर और पूर्वी भारत में अगले 4 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। बकौल आईएमडी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में 27-29 जुलाई के बीच अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी 27 जुलाई बहुत बारिश होने की संभावना थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना में जवानों के 90,000 से अधिक पद खाली। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि सेना में जूनियर कमिश्नर अधिकारियों समेत जवानों के 90,640 और अधिकारियों के 7,912 पद खाली है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि सेना के बाद सर्वाधिक 1,190 अधिकारियों और 11,927 नाविकों के पद नेवी में रिक्त है। बकौल भट्ट आयुसेना में जवानों के 7,104 और अधिकारियों के 610 पद खाली है। ओलंपिक्स रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को रेल मंत्रालय देगा 2 करोड़ का प्रमोशन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टोक्यो ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को सोमवार को सम्मानित किया और उनके लिए 2 करोड़ और प्रमोशन का ऐलान किया है। चानू रेलवे में कभी टिकट कलेक्टर है। वहीं मणिपुर सरकार चानू को 1 करोड़ देगी और उन्हें मणिपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने खेल नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में बाढ़ व भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 164 की हुई मौत, 100 लोग लापता। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बताया कि राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कोंकण क्षेत्र में बारिश के कारण बाढ़ व भूस्खलन के विभिन्न घटनाओं में मरने वालों की आंकड़ा 164 पहुंच गई है, जबकि 100 लोग अब भी लापता हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 229,074 लोगों की रेस्क्यू किया जा चुका है। कश्मीर में सुरक्षा बलों व आतंकवादियों की मुठभेड़ में फंसे 430 लोग सुरक्षित निकाले गए। पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़ के बीच एक रिपोर्ट में फंसे 430 लोगों को सोमवार को शाम सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बकौल पुलिस 40 वाहनों की व्यवस्था की गई और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। गौरतलब है कि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। पीएम ने बीजेपी सांसदों को विपक्ष के हंगामे से जनता को अवगत कराने को कहा। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सांसदों से कहा कि वह विपक्षी दल के रवैये से जनता को अवगत कराएं। पीएम ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि जनता को बताया कि सरकार हर मुद्दे पर बहस करने को तैयार है, लेकिन विपक्षी दल इससे भाग रहे हैं और हंगामा कर रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।